हेलो फ्रेंड्स, आज हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं क्लास 9 से और हमने चैप्टर लिया है सरफेस एरिया वॉल्यूम और उसकी पूरी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। तो टर्म है एक्सरसाइज 13.1 पहली एक्सरसाइज का। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, मेरे पास क्वेश्चन लिखा हुआ है। अ प्लास्टिक बॉक्स 1.5 मीटर लॉन्ग, 1.25 मीटर वाइड एंड 65 सेंटीमीटर डीप इज टू बी मेड। अब अगर किसी भी फिगर का तीन अलग अलग डायमेंशन आपको गिवन हो तो तीन डायमेंशन हमारे पास क्यूबॉइड के लिए होता है। तो एक क्यूबॉइड फॉर्म करें पहले, ठीक है, क्यूबॉइड बनाएं और उस क्यूबॉइड में उसका लेंथ, ब्रेथ और हाइट, जिसको यहाँ डीप बोला गया है वो एक्चुअल में हाइट कहलाता है। हाइट इज इक्वल टू डीपनेस। तो अगर मैं कहूँ कि लेंथ एल है, ब्रेथ बी है और हाइट एच है या डीपनेस एच है, तो फिर किस तरह से दिया हुआ है? मुझे एल दिया है क्वेश्चन में 1.5 मीटर, ठीक है, और ब्रेथ दिया है 1.25, ब्रेथ है 1.25, फिगर में भी डिनोट करना है अलग से भी लिखना है, और हाइट दिया हुआ है 65 सेंटीमीटर, हाइट दिया हुआ है 65 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले तरीके से लिखें, कैसे? तो जैसे लिखने का तरीका देखिए, पूरा लिखिए लेंथ L इज इक्वल टू 1.5 मीटर, लिखिए ब्रेथ B इज इक्वल टू 1.25 मीटर और हाइट h इज इक्वल टू 65 सेंटीमीटर। अब जैसे कि सेंटीमीटर दिया हुआ है तो पक्की बात पहले मीटर में चेंज कर रहे हैं, तो सेंटीमीटर से मीटर में आने के लिए 100 से डिवाइड कर दें और ये हो गया 0.65 मीटर। अब क्वेश्चन में फाइंड क्या करना है वो देखते हैं। क्वेश्चन देख लीजिए, आपके पास आ रहा है फिर से। डिटरमाइन द एरिया ऑफ द शीट रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग द बॉक्स। जबकि क्वेश्चन में एक चीज ऊपर दिया हुआ है कि इट इज ओपन एट द टॉप, कि आपके जो छह फिगर साइडेड फिगर है उस छह साइडेड फिगर का ऊपर की छत नहीं, मतलब टोटल फिगर पे पांच ही सरफेस है। तो चार तो दीवार मान ली जाएंगी और एक नीचे का फ्लोर बेस मान लिया जाएगा, ऊपर की छत नहीं है। तो आपको अपने सरफेस एरिया में से एक छत हटाना पड़ेगा। वो कैसे देखिए, तो देखेंगे सिंस बॉक्स इज ओपन एट द टॉप। अब ओपन एट द टॉप का मतलब है छत गायब करनी पड़ेगी, तो एरिया टू बी फाइंड आउट किया, उसको कवर करने के लिए कितना एरिया लगेगा वो क्या है, तो लिखेंगे आप TSA ही यहां पर, लेकिन क्या करेंगे देखिए, 2LB प्लस BH प्लस HL। आपने तो 6 की 6 पूरा का पूरा सरफेस ही ले लिया, सारी एजेस माइनस करिए, माइनस छत। अब छत का एरिया क्या होता है, एल इंटू बी। फ्लोर का एरिया क्या होता है, एल इंटू बी। और अब ये आपका फॉर्मूला बन गया, ठीक है। अब इसमें करना क्या है, 2 एल इंटू बी वैल्यू आपके पास है एल इंटू बी प्लस बी इंटू एच और प्लस एच इंटू एल। सिर्फ मल्टीप्लिकेशन वाला पार्ट इसमें थोड़ा सा बड़ा है बच्चों के लिए, माइनस, क्योंकि ये तो आपने भी 6 के 6 सरफेस का एरिया निकाल दिया, क्योंकि लिखा है कि बॉक्स इज ओपन एट द टॉप, तो ऊपर की छत माइनस करनी पड़ेगी, माइनस एल बी। तो 1.5 इंटू 1.25 ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब सारा कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट करके आ रहा है 5.45 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब ये कैलकुलेशन वाला पार्ट आप खुद कीजिएगा, मैं इसके लिए टाइम वेस्ट नहीं करूंगा वीडियो में, ठीक है, ये मैंने अलग से कर लिया है। तो 5.45 मीटर स्क्वायर एक पार्ट आ गया अपने पास। अब क्वेश्चन हमसे कह रहा है सेकंड पार्ट, जो क्वेश्चन का दूसरा पार्ट है, कि द कॉस्ट ऑफ द शीट फॉर इट, इफ द शीट मेजरिंग 1 मीटर स्क्वायर कॉस्ट ₹20, अगर 1 मीटर स्क्वायर के ₹20 लगते हैं तो 5.45 मीटर स्क्वायर के कितने रुपए लगेंगे। तो लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू ₹20। तो कॉस्ट ऑफ 5.45 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 20 × 5.45 = ₹109। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें 6 साइडेड फिगर में ऊपर का टॉप नहीं था, तो 6 साइडेड फिगर में मैंने टोटल TSA 6 की 6 साइड ले ली और माइनस उसमें से उसका छत माइनस कर दिया। LBH क्वेश्चन में गिवन था, इनटू किया, एक एरिया आ गया टोटल, फिर 1 मीटर स्क्वायर का ₹20 दिया हुआ था, मुझे अपने 5.45 मीटर स्क्वायर का निकालना था, उसे मल्टीप्लाई कर दिया और टोटल कॉस्ट आ गया। सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपके पास नीचे लिखा हुआ आ रहा है, द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ ए रूम आर 5 मीटर 4 मीटर 3 मीटर। देखिए फिर से आपको
एक फिगर में तीन अलग अलग चीजें दी हुई हैं, तो ये बात फिर कंफर्म हो जाती है कि जो चीज दी गई है वो आपके पास क्यूबॉइडल है, तीन अलग अलग लेंथ ब्रेड्थ और हाइट है आपके पास। तो फटाफट से फिगर बनाए, फिगर में उसे एल दिया हुआ है 5, 4 और 3, 5 फिर ब्रेड्थ है 4 और हाइट है आपके पास 3, ठीक है। अब क्वेश्चन में आपसे कह रहा है फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग द वॉल्स ऑफ द रूम एंड द सीलिंग ऑफ द रूम एट द रेट ऑफ 7.5 पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो सबसे पहले एलपीएस दिया हुआ है, हमने फर्स्ट क्वेश्चन में आपको पूरा प्रॉपर करके दिखाया, मैं फटाफट लिख देता हूं, लेकिन आपको लिखना बिल्कुल उस तरह से ही होगा। ब्रेड्थ हो गया यहां पर 4 मीटर और हाइट हो गया आपका 3 मीटर। अब आपको सरफेस एरिया निकालना है जिसमें चार दीवार ले रखी है और इस बार आपको सीलिंग ले रखी, छत ले रखी है, इस बार फ्लोर नहीं है। तो अभी भी फॉर्मूला बिल्कुल वही है, टीएसए लिखकर क्या लिखेंगे, 2LB+BH+HL। ये तो फॉर्मूला पूरे 6 के 6 साइड्स का है, लेकिन क्योंकि आपके पास नीचे का फ्लोर तो है नहीं, तो फ्लोर का एरिया भी LE2B होता है, माइनस कर दिया, कितना आया, अब LE2B दिया हुआ है 5×4, बिल्कुल प्रॉपर स्टेप के साथ लिखें, B×H 4×3 और H×L 3×5, ये तो 6 की 6 साइड्स का एरिया आ गया। नीचे की फ्लोर नहीं है तो फ्लोर का एरिया माइनस कीजिए 5×4, तो 2×5, 4×20, 4×3×12, 5×3×15, माइनस 20, ये कितना आया देखिए, 20, 30, 40, 47 माइनस 20। अब इंटू कर लेते हैं, 7×2 = 14, 1, 4×2 = 8 or 1, 9 माइनस 20, तो ये आ गया मेरे पास 74 मीटर स्क्वायर। ये वो टीएसए आया है जिसमें चार दीवार और फ्लोर इंक्लूड नहीं है। अब इसका कॉस्ट दिया हुआ है आपको, इसमें आपको जो कॉस्ट दिया हुआ है 7.5 रुपए पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से आप इसे व्हाइट वॉश करा रहे हैं, तो लिखेंगे कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग एट द रेट ऑफ 1 meter square = ₹ दिया हुआ है आपको 7.5, तो आपके पास तो 74 मीटर स्क्वायर है, तो लिखेंगे कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग एट द रेट ऑफ 74 मीटर स्क्वायर इज 7.5 × 74। अब इसे आप मल्टीप्लाई कर ले, तो मल्टीप्लाई करके आपका आंसर आएगा ₹555। तो ये हो गया हमारा सेकंड क्वेश्चन भी, चलिए थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन आपके नीचे लिखा हुआ आ रहा है, मैं भी क्वेश्चन पढ़ लेता हूं। द फ्लोर ऑफ ए रेक्टेंगुलर हॉल हैज अ पेरिमीटर ऑफ 250 मीटर। ये देखिए जो वर्ड रेक्टेंगुलर हॉल है इसका मतलब क्यूबॉइड है आपके पास, ये ध्यान रखिएगा हमेशा। ये कुछ ऐसे शब्द है जो डायरेक्टली आपको दिए नहीं गए होते, आपको खुद पहचानने होते हैं कि आपको क्यूबॉइड गिवन है या क्यूब गिवन है। रेक्टेंगुलर हॉल हमेशा क्यूबॉइड दिखाता है, तो पक्की बात इसके पास लेंथ होगा, इसके पास ब्रेड होगा और इसके पास हाइट होगा। अब ये चीज आप नोट कर लीजिए अपने क्वेश्चन में, मैं आगे चलता हूं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन फिर से पढ़ रहा हूं, द फ्लोर, सिर्फ हम नीचे के फ्लोर की बात कर रहे हैं, उसका पेरिमीटर 250 दिया है। अब आप एक चीज देखिए, इसमें दिया है कि पेरिमीटर ऑफ फ्लोर इज 250 मीटर। अगर पेरिमीटर की बात करें तो देखिए लेंथ ब्रेड, लेंथ और ब्रेड, क्योंकि हाइट तो होती नहीं है फ्लोर के पास, तो देखिए दो लेंथ हो गई, दो ब्रेड हो गई, तो ये हो गया ट्वाइस ऑफ एल प्लस बी, 2L+2B, 2 कॉमन आ गया, इज इक्वल टू 250। ये समझ लीजिए कि आपको ये दिया हुआ है, ठीक है, इसको ये छोड़ देते हैं। आगे क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं, इफ द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द फोर बॉल्स क्यूबॉइड में हमेशा CSA होता है, एरिया ऑफ फोर बॉल्स इज इक्वल टू द CSA ऑफ द क्यूबॉइड, ठीक है। तो उसका कॉस्ट दिया है आपको, द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द फोर वॉल्स एट द रेट ऑफ 10 पर मीटर स्क्वायर इज 15,000, कि अगर 1 मीटर स्क्वायर को पेंट करने पर 10 रुपए लगते हैं तो आपने 15,000 रुपए खर्च कर दिए, तो बताइए कितना मीटर स्क्वायर आपने पेंट किया। तो देखिए इस बात को ऐसे समझिए, फिर से पढ़ रहा हूं, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द फोर वॉल्स एट द रेट ऑफ ₹10 पर मीटर स्क्वायर इज 15,000। तो देखिए कि इन रुपीज 10 एरिया पेंटेड कितना, 1 मीटर स्क्वायर, ये लिखा हुआ है। अब इसका लैंग्वेज लिखने का तरीका ये होता है कि जो चीज फाइंड करनी होती है हम उसे अपने सीधे हाथ पर रखते हैं।
अब दो चीज है, एक तो पैसा दिया हुआ है और एक एरिया दिया हुआ है। कह रहा है एरिया वाली चीज आपको फाइंड करनी है, तो इसलिए उसको मैंने अपने राइट हैंड साइड पर रखा, क्योंकि 15,000 रुपए तो दियो में खर्च हो गए हैं, तो 10 रुपए में कितना एरिया पेंट होगा, 1 मीटर स्क्वायर। हम लिखेंगे इन रुपी वन एरिया पेंटेड, ऑब्वियसली बात कम होगा, तो 1/10 मीटर स्क्वायर। और कितने रुपए टोटल खर्च किए, 15,000। तो 15,000 में एरिया पेंटेड कितना हुआ होगा, एरिया पेंटेड इज इक्वल टू ज्यादा हुआ होगा, ये कट गया, ये आ गया टोटल कि 15,000 रुपए में आपने 1500 मीटर स्क्वायर का एरिया पेंट कर दिया। लेकिन क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो एरिया पेंट किया है वो 4 वॉल्स ही किया है। अब 4 वॉल्स का तो डायरेक्ट हमारे पास फॉर्मूला है, तो लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन व्हाट इज द एरिया ऑफ 4 वॉल्स, 2l+b × h, जो कि आपको दिया है 1500। ये जो 1500 था वो एरिया ऑफ 4 वॉल्स को ही पेंट करने का था, ठीक है। तो अब क्वेश्चन के हिसाब से 2l+b का तो वैल्यू मुझे पहले पता है, 250 डाल दिया सीधा यहां पर, इनटू h इज इक्वल टू 1500 और h इज इक्वल टू 1500/250, ये थोड़ा कैंसिल आउट कर दिया, 5 + 25, 5 + 15 = 0 और 6 + 30, तो हाइट आ गया 6 मीटर। क्वेश्चन में था फाइंड द हाइट ऑफ द रूम, हेंस द हाइट ऑफ द रूम इज 6 मीटर। ध्यान से इस पे रखना था कि लैंग्वेज में जिस चीज की जो चीज हमें फाइंड आउट करनी होती है वो हमेशा हम लैंग्वेज में अपने सीधे हाथ पर रखते हैं, और उसके हिसाब से 1500 मीटर स्क्वायर का एरिया आया था। क्वेश्चन में दिया है कि जो एरिया पेंट कर रहे हो वो एक्चुअल में एरिया 4 वॉल्स है, 4 वॉल्स के एरिया को 1500 के बराबर रख दिया। 2l+b का वैल्यू मैंने 250 पहले निकाल लिया था, उसे पुट किया और वहां से हाइट निकाल लिया। एक चौथा क्वेश्चन देखते हैं, आपके सामने वो लिखा आ रहा है, मैं भी क्वेश्चन पढ़ लेता हूं। द पेंट इन अ सर्टेन कंटेनर इज सफिशिएंट टू पेंट एन एरिया इक्वल टू 9.375 मीटर स्क्वायर। एक बॉक्स में पेंट रखा हुआ है और उसमें इतना पेंट है कि आप कितना एरिया पेंट कर सकते हो, टोटल एरिया जिसको पेंट किया जा सकता है वो उसमें है 9.375 मीटर स्क्वायर, इतना एरिया पेंट हो सकता है। अब क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं, हाउ मेनी ब्रिक्स ऑफ डायमेंशन, फिर देखिए डायमेंशन 3 दी हुई है, जब भी 3 डायमेंशंस हो तो आप समझ जाइए हम क्यूबॉइड की बात कर रहे हैं। तो उस ब्रिक की डायमेंशन में लिख लेता हूं आपके लिए, इधर तो एल दिया हुआ है आपको 22.5 सेंटीमीटर, ब्रेथ दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर और हाइट दिया हुआ है आपको 7.5 सेंटीमीटर। अब दिक्कत है टोटल एरिया टू बी पेंटेड तो मीटर स्क्वायर में है और ये सेंटीमीटर में है, तो ऑब्वियस बात है एरिया को चेंज नहीं करते हम, इन लेंथ ब्रेथ हाइट को ही मीटर में कर लेते हैं। तो देखिए ब्रिक लिखकर इसकी लेंथ ब्रेथ हाइट चेक करते हैं, तो लेंथ हो गया 22.5 सेंटीमीटर, 100 से डिवाइड किया तो 0.225 मीटर। ऐसे ही ब्रेथ हो गया 10 सेंटीमीटर, 100 से डिवाइड करते हैं 0.1 सेंटीमीटर, ठीक है, और हाइट है 7.5 सेंटीमीटर, 100 डिवाइड करते हैं 0.075 मीटर, ठीक है। अब मैंने लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों मीटर में चेंज कर लिया। क्वेश्चन क्या कहता है कि हाउ मेनी ब्रिक्स ऑफ दिस डायमेंशन, इस डायमेंशन की कितनी सारी ब्रिक्स पेंट हो सकती है इस टोटल पेंट से, तो ऐसे क्वेश्चनों का डायरेक्ट फॉर्मूला है, जब भी हाउ मेनी जैसा कोई लॉजिक आ जाए तो मैंने लिखा कि लेट एक्स ब्रिक्स कैन बी पेंटेड विद टोटल पेंट, ठीक है। तो फॉर्मूला होता है एक्स इंटू TSA of one brick is equal to total TSA given. Total TSA given. अब x into TSA of one brick. अब L into B into H, मतलब L B H तीनों दिया है, तो TSA क्या होता है? 2 LB plus BH plus HL. 2 LB plus BH plus HL. is equal to total TSA given. What the total TSA given? 9.375. चलिए वैल्यू इंसर्ट करते हैं इसकी. तो x into 2 LB तो 0.225 into 0.1 plus BH. BH मतलब 0.1 into
0.1 into 0.075 plus HL 0.075 into 0.225 ठीक है is equal to 9.375. अगला स्टेप देखिए, इसकी जरूरत नहीं है अभी यहां पर हमें. अब सॉल्व करते हैं और ये अंदर सारा ब्रैकेट के अंदर जो मल्टीप्लाई करके आएगा 0.09375 ठीक है. ये सारा कैलकुलेशन मैंने कर लिया है. इसके बाद आया 0.09375 is equal to 9.375. So x is equal to 9.375 अपॉन ये नीचे आ गया 0.09375. अब जरा डेसिमल का रीअरेंजमेंट करते हैं. ऊपर डेसिमल के बाद तीन डिजिट है, नीचे डेसिमल के पांच, ऊपर ही पांच ला लेते हैं जिससे डेसिमल आपका चला गया. तो 937500 अपॉन 9375 ये कैंसिल आउट हो गया और कितना ब्रिक्स आया जो टोटल आपके पास पेंट था जिसका आपको पूरा एरिया गिवन था उससे इस साइज की जो गिवन है कुल मिलाके 100 ब्रिक्स को पेंट किया जा सकता है. तो फॉर्मूला फिर था x into TSA of one brick is equal to total TSA given. बस फॉर्मूला इंसर्ट करना था, वैल्यू इंसर्ट करना था और आंसर आया था. चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं. तो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा है, मैं भी क्वेश्चन पढ़ लेता हूं. क्वेश्चन 5 है, अ क्यूबिकल बॉक्स हैज एज 10 सेंटीमीटर. एक क्यूबिकल बॉक्स दिया है, इसकी सारी एजेस एक जैसी होती हैं, इनको साइड्स बोलते हैं ठीक है. और उसको मान लो मैं x ले रहा हूं तो वो सब की सब 10 है, मतलब सारी साइड्स इसकी 10 सेंटीमीटर की है. और एक क्यूबॉइडल बॉक्स है, मतलब एक क्यूबॉइड भी है आपके पास, तो पक्की बात इसके पास लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों अलग-अलग ही दी गई होंगी हमें. एक को l, एक को b, एक को h मान लेते हैं. और वो दिया हुआ है आपको 12.5 दिया है लेंथ ठीक है, मीटर सेंटीमीटर पर भी ध्यान रखना है. और ये फिर ब्रेथ दिया है 10 सेंटीमीटर ठीक है, और फिर हाइट दिया है 8 सेंटीमीटर, हाइट दिया है 8 सेंटीमीटर ठीक है. और कह रहा है हमसे क्वेश्चन में फाइंड क्या करना है, व्हिच बॉक्स हैज द ग्रेटर लैटरल सरफेस एरिया एंड बाय हाउ मच. किस बॉक्स का LSA ज्यादा है और कितना ज्यादा है, दूसरा क्वेश्चन है. किस बॉक्स का TSA ज्यादा है और कितना ज्यादा है. तो वन बाय वन सॉल्व करते हैं. पहले क्यूब की बात कर लेते हैं CSA की. अब क्यूब का जो CSA होता है या LSA एक ही बात होता है, कर्व सरफेस एरिया या लैटरल सरफेस एरिया. लैटरल सरफेस एरिया में कर्व सरफेस एरिया में चार दीवारें आती हैं और एक दीवार का एरिया होता है क्यूब के लिए x स्क्वायर, तो चार दीवारों का होगा 4x स्क्वायर. तो एक दीवार की बात करें तो 10 साइड है, तो एक का एरिया हो गया 10 into 10 तो चार का एरिया हो गया ठीक है, 4 into x square तो 4 into 100 तो 400 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया. और अगर हम बात करें क्यूबॉइड की तो क्यूबॉइड के CSA को एरिया ऑफ फोर वॉल्स भी बोलते हैं. फॉर्मूला होता है 2l plus b into h, सारी वैल्यूज गिवन है क्वेश्चन में अपने को, 12.5 plus 10 into 8 तो ये होगा 2 into 22.5 into 8 तो मल्टीप्लाई करके आया 360 सेंटीमीटर स्क्वायर. जैसे कि आप देख सकते हैं क्वेश्चन था कि किसका लैटरल सरफेस एरिया ज्यादा है, तो क्यूब का लैटरल सरफेस एरिया ज्यादा है 400. अब क्वेश्चन था कितना ज्यादा है, तो बाय हाउ मच के लिए 400 में से 360 माइनस कर दीजिए तो ये हो गया 40 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो लिखेंगे द लैटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज 40 सेंटीमीटर स्क्वायर मोर देन द क्यूबॉइडल सरफेस लैटरल सरफेस एरिया ठीक है. अब TSA फाइंड आउट करते हैं इसी दोनों का और फिर कितना ज्यादा है वो बताते हैं. तो पहले क्यूब का निकाल लेते हैं. अब आप क्योंकि TSA की बात कर रहे हैं तो 6 की 6 साइड लेते हैं, तो 6 * एरिया ऑफ वन साइड, साइड अगर x है तो एरिया हो गया इसका 10 का स्क्वायर, मतलब साइड * साइड तो 6 * 100 तो इसका आ गया 600 सेंटीमीटर स्क्वायर. और अगर क्यूबॉइड की बात करें तो क्यूबॉइड के TSA का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है 2 * l * b, b * h और h * l. तो फॉर्मूला डालिए, ये हो गया 12.5 * 10 प्लस 10 इंटू 8 प्लस 8 इंटू 12.5 ठीक है. अब ये पूरा कैलकुलेट करके आ रहा है 610. अब आप देख सकते हैं जब TSA की बात करें तो क्यूब का 600 है और क्यूबॉइड का 610, तो किसका एरिया ज्यादा हो गया TSA का,
क्यूबॉइड का सरफेस एरिया टी ए से ज्यादा हो गया, और कितना ज्यादा हो गया, तो 610 माइनस 600 दैट इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो द टीएसए ऑफ क्यूबॉइड इज 10 सेंटीमीटर स्क्वायर मोर देन दैट ऑफ क्यूब. तो ये हुआ फिनिश हमारा क्वेश्चन. चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, आप अपने स्क्रीन पर चेक कर लीजिए. क्वेश्चन नंबर 6 है, अ स्मॉल इंडोर ग्रीन हाउस जिसको हर्बेरियम बोलते हैं. हर्बेरियम मैं बता देता हूं इसे क्या होता है. एक शीशे का 6 साइड बंद एक रूम जैसा होता है, और मोस्टली उसे पौधे उगाने के लिए यूज किया जाता है. ठीक है, मतलब वहां पर ग्रीन हाउस इफेक्ट किया जाता है, उसे हर्बेरियम बोलते हैं. कह रहा है कि अ स्मॉल इंडोर ग्रीन हाउस इज मेड एंटायरली ऑफ ग्लास पेन्स इंक्लूडिंग बेस, क्योंकि उसमें बेस भी होता है, मतलब 6 साइड का वो रूम जैसा होता है, 6 दीवार वाला, हेल्ड टुगेदर विद टेप, और उसकी साइड्स को टेप से चिपकाया गया. ठीक है, कह रहा है उसका लेंथ दिया है, ब्रेड दिया, हाइट दिया है, तो पक्की बात क्यूबॉइड ही हो गया. तो फटाफट से फिगर बना लेते हैं, उसके अंदर एल इंटू बी और एच दिखा देते हैं आपको. ठीक है, फटाफट से एल हो गया आपका 30 सेंटीमीटर, ब्रेड दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर, और ब्रेड दिया हुआ है, सॉरी हाइट दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर. ठीक है, ठीक है, तो इसका ब्रेड और इसका हाइट सेम है. अब पहला क्वेश्चन है इसका, व्हाट इज द एरिया ऑफ द ग्लास. तो हमेशा बड़ी ध्यान का रखें, एरिया का अगर सिंपल मतलब पूछना है तो सर ये डीएसए है या सीएसए है, कुछ मांगा कुछ दिया तो है नहीं. तो द एरिया और द एरिया टू बी फाइंड आउट, तो एरिया हमेशा होता है टोटल सरफेस एरिया. ठीक है, तो 2lb प्लस bh और प्लस hl, तो 2lb ये हो गया 30 × 25, फिर bh 25 × 25, और hl 25 × 30, क्या आ रहा है 4250 सेंटीमीटर स्क्वायर. सिर्फ कैलकुलेशन मल्टीप्लाई करना था. अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं, कह रहा है हाउ मच टेप इज नीडेड फॉर ऑल द एजेस. अब एक क्यूबॉइड है तो टोटल एज कितनी हुई 12. ठीक है, 6 फेस होते हैं और हर फेस पे 2 एज है, एक तरह से ऐसा मान लो टोटल मिला के एजेस होती हैं, टोटल एजेस होती हैं. अब इसमें से कैसे 4 इसमें लेंथ होती है प्लस 4 इसमें ब्रेथ होती है प्लस 4 इसमें हाइट होती है. ठीक है, 4 लेंथ, 4 ब्रेथ और 4 हाइट, 4 कॉमन आ गया, एल प्लस बी और प्लस एच, तीनों वैल्यूज गिवन है, 30 प्लस 25 प्लस 25, ये हो गया आपका 30 प्लस 50, ये हो गया 4 × 80 और 320. कितना हमें फाइंड करना था एजेस, हाँ, तो 320 सेंटीमीटर. तो ये आपका टोटल टेप आया कि कितना लगेगा लेंथ, तो टोटल 320 मीटर सेंटीमीटर का टेप का लेंथ होगा, और जो टोटल टीएसएल के ग्लास का है वो है 4250 सेंटीमीटर स्क्वायर. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर तो आ रहा है, चेक कर लें. मेरे ख्याल से इस पूरी एक्सरसाइज का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है, मैं भी पढ़ता हूं क्वेश्चन. शांति स्वीट स्टॉल वाज प्लेसिंग इन ऑर्डर फॉर मेकिंग कार्डबोर्ड बॉक्सेस फॉर पैकिंग देयर स्वीट्स. टू साइजेस ऑफ बॉक्स वर रिक्वायर्ड, दो तरह के अलग अलग बॉक्स दिए हैं, एक बिगर डायमेंशन दिया हुआ है और एक स्मॉलर डायमेंशन दिया हुआ है. फिर कह रहा है कि उन बॉक्स को बनाने के लिए 5% टोटल सरफेस एरिया रिक्वायर्ड एक्स्ट्रा चाहिए, जिससे कि मुड़ते समय जो टोटल लेंथ है वो बॉक्स की छोटी ना पड़ जाए. तो ओवरलैप करने के लिए 5% टोटल एरिया दोनों बॉक्स में एक्स्ट्रा चाहिए. अगर एक बॉक्स 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया का 4 रुपए लगता है, तो बताइए 250 बॉक्सेस अगर पैक हो दोनों के, तो कितना आपको पैसा देना पड़ेगा. बॉक्स क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझते हैं. क्वेश्चन है दो तरह के बॉक्स हैं, तो एक स्मॉल बॉक्स है एक बिग बॉक्स है. अब क्योंकि दोनों के ही तीन तीन चीजें दी हुई हैं, ये बात तो क्लियर है कि दोनों ही बॉक्स आपके क्यूबॉइड है, कोई बात नहीं, बहुत आसान क्वेश्चन है, बस लेंथी है थोड़ा समझने में या करने में. तो पहले छोटे बॉक्स के डायमेंशन लिख लेते हैं, ये है आपकी 15, 12 and 5, तो 15 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर एंड हाइट 5 सेंटीमीटर. अब बड़े बॉक्स की एज लिख लेते हैं सारी साइड, ये है 25, 20 और 5, इसको 25, फिर इसको 20
और इसको 5। बड़े वाले बॉक्स को, बड़े वाले बॉक्स को मैंने बड़े एलबीएस से दिखाया है और छोटे वाले बॉक्स को मैंने छोटे एलबीएस से दिखाया, सिर्फ अंतर करने के लिए उसके अंदर, ठीक है। अब क्वेश्चन कह रहा है पहले तो बॉक्स बनाना है, तो सबसे पहले क्वेश्चन को स्टार्ट कैसे करना है वो समझिए, वन बाय वन स्टेप को करते जाएंगे। पहले देखिए कि टोटल एक बॉक्स में कितना एरिया यूज हो रहा है। अब बॉक्स बनाएंगे तो बॉक्स की 6 की 6 साइड ही बनानी पड़ेंगी आपको दोनों बॉक्स के लिए, तो दोनों को पहले टीएसए निकाल देते हैं। तो टीएसए ऑफ स्मॉल बॉक्स करते हैं, तो 2LB प्लस BH प्लस HL, चलिए वैल्यू इंसर्ट करते हैं, तो 15 * 12 प्लस 12 * 5 प्लस 5 * 15 और टोटल टीएसए आएगा 630 सेंटीमीटर स्क्वायर सॉल्व करके। ऐसे ही बड़े बॉक्स का टीएसए निकालते हैं, फॉर्मूला 2 कैपिटल LB कैपिटल BH और कैपिटल HL, चलिए वैल्यू पुट करते हैं, 25 * 20 प्लस 20 * 5 प्लस 5 * 25। अब ऐसे ही बड़े बॉक्स का टीएसए आ रहा है टोटल सॉल्व करके 1450 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब एक एक बॉक्स का टीएसए आ गया, तो लिखेंगे टोटल टीएसए ऑफ बोथ बॉक्सेस, देखिए कितना 630 प्लस 1450 ऐड कर लीजिए, तो 0 8 10 और तो एक एक बॉक्स दोनों का लिया टोटल एरिया कितना बैठा 2050। अब कह रहा है आपको टोटल ऐसे 250 बॉक्स लेने हैं, तो टोटल टीएसए ऑफ 200 बॉक्सेस ऑफ ईच काइंड, क्योंकि मैंने दोनों को ही ऐड कर लिया, तो टोटल एरिया तो है मेरे पास, तो दोनों के 250 बॉक्स का एक साथ निकल आएगा, मल्टीप्लाई कीजिए 250 को 2080 से 52000 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये समझ लीजिए कि ये तो टोटल एरिया वो है जिससे बॉक्स एग्जैक्ट बनेंगे 250-250 दोनों वाले। अब जब कह रहा है बॉक्स मुड़ेगा ओवरलैप करेगा तो कुछ पार्ट एक्स्ट्रा चाहिए, तो क्वेश्चन में ये चीज दिया हुआ है कि टोटल एरिया का 5% एक्स्ट्रा चाहिए, तो लिखेंगे टोटल एरिया एक्स्ट्रा नीडेड, ये हो गया 5%, तो 5% किसका टोटल का, ये हो गया 52000 कैंसिल आउट करिए, ये आपके पास आया 5 × 10 = 25 और 26, तो 26,000 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया एक्स्ट्रा लगेगा। तो अब टोटल एरिया नीडेड कितना हुआ, टोटल एरिया नीडेड जितना था 5 × 2000 प्लस 26,000, तो ऐड कर लेते हैं इसको, तो ये आपके पास टोटल आएगा 5460000। तो आपके पास टोटल एरिया ऑफ ऑल द बॉक्सेस जिसमें 5% का एक्स्ट्रा इंक्लूड भी कर दिया वो है 5460000 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्वेश्चन में एक पार्ट गिवन है कि 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर के 4 रुपए लगते हैं, तो 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर के अगर 4 रुपए लगते हैं तो इतने सेंटीमीटर स्क्वायर के कितने लगेंगे, तो कॉस्ट ऑफ 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू ₹4, तो फिर ऐसे ही कॉस्ट ऑफ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू ₹4/1000, तो कॉस्ट ऑफ कितने सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 5460 और 00 पूरा सॉल्व करके आएगा आपके पास ₹2184। तो कुल जो पैसा खर्च होगा इसमें आपका, इसमें रेट 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर का 4 रुपए, तो टोटल खर्चा आएगा ₹2184। क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन पर आ रहा है, चेक करते हैं। 8 है कि परवीन वांट टू मेक अ टेंपरेरी शेल्टर फॉर हर कार, मेकिंग अ बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर विद टारपोलिन कपड़े की क्वालिटी को बोलते हैं, विद ऑल द फोर साइड्स एंड द टॉप ऑफ द कार। ऑब्वियस बात है उसे चारों साइड ढकनी है, मतलब एरिया फोर वॉल्स लगाना है और ऊपर का छत भी चाहिए, तो प्लस एलबी भी करना है, और आपको उस कपड़े का उसमें लेंथ बाय हाइट दिया हुआ है। ओके, एक शेल्टर बनाना है
तो वो शेल्टर का लेंथ बाय हाइट दिया हुआ है आपको, ठीक है। तो शेल्टर का लेंथ है 4 मीटर, ब्रेथ है 3 मीटर और हाइट दिया हुआ है आपके पास 2.5 मीटर। अब जैसे कि शेल्टर को ढकना है तो चारों तरफ से ढकना है, तो एरिया ऑफ फोर वॉल्स, और ऊपर की छत ढकनी है तो एलबी, नीचे के फ्लोर की जरूरत नहीं है। तो टोटल एरिया टू बी कवर, तो 2L+B × H, ये तो फोर वॉल्स का एरिया हो गया, प्लस ऊपर की छत इंटू एलबी। तो लिखा तो टीएसए ही है, लेकिन ये टीएसए का मतलब ये नहीं है कि छह दीवार है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टीएसए क्या होगा, यहाँ पर रखिए 5 दीवारें हो गई, 4 दीवार और ऊपर की छत, ठीक है। तो 2L+B, L का फॉर्मूला 4 और यहाँ पर दिया है 3 × H, H है आपके पास 2.5 और इस पूरे में आपको L भी ज्वाइन करना है, L into B, तो 4 × 3। अब कैलकुलेट करके आपको पास आएगा 47 मीटर स्क्वायर। तो कपड़े का जो एरिया टोटल आपको चाहिए उस पूरे कवर करने के लिए वो है 47 मीटर स्क्वायर। तो ये कंप्लीट हुआ हमारे सारे क्वेश्चन फर्स्ट एक्सरसाइज के, ठीक है। तो ध्यान से सारे कंसेप्ट देखिए, और जो कंसेप्ट वाला वीडियो है वो लिंक भी नीचे दिया हुआ है, अलग से भी आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। हमारे व्यूअर्स को अगर हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, कमेंट शेयर लाइक भी कर दें, और आपको अगर किसी तरह का कोई क्वेरी है तो आप अपना क्वेरी हमारे व्हाट्सएप नंबर पे जो नीचे लिखा हुआ आ रहा है उस पर सेंड कर सकते हैं। आप हमारे इस चैनल को अपने दोस्तों में, कलीग्स में, फ्रेंड्स में शेयर कर दें, और किसी भी तरह का कोई क्वेरी है अगर किसी भी क्लास के लिए मैथमेटिक्स से जुड़ा हुआ तो आप हमें सेंड कर सकते हैं, उसका सोल्यूशन हम जल्दी से जल्दी देने का कोशिश करेंगे।